वापस आ जाऊंगी ना जैना, कितनी बार बोला है, इतना काम है ना, और कल भैया आ रहे हैं। अच्छा दैट रिमाइंड्स मी, रूम फ्रेशनर अभी लगा देते हैं वरना फिर से भूल जाएंगे। प्लीज दीदी, सिर्फ 2 घंटे की तो बात है, वैलेंटाइन्स का दिन बार बार थोड़ी आता है। वैलेंटाइन्स, और क्या वैलेंटाइन्स वैलेंटाइन्स लगा रखा है। जैना अपने बॉयफ्रेंड को समझाओ, हर दिन स्पेशल और प्यार भरा होना चाहिए, है ना? से लेक्चर, हमेशा लेक्चर। आई हर्ड दैट, फटाफट करो चलो। दीदी कल जब भैया आएंगे ना, तो वो पिंक वाली है ना, वो पहनना। अच्छा मस्त लगे, बहुत बदमाश हो गई है तू। बस बोल रही हूँ दीदी, बोल रही थी। तीन सा दिमाग चलता है ना तुम्हारा। कोई दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा है ना, सुना? पर दीदी इतने सुबह सुबह चोर आते हैं क्या? चोर के आने का कोई टाइम होता है क्या? चल क्यों जाऊं? रुकना मत, इसमें कर दे। I'm so sorry, Gautam. We had no idea. We just got so scared, you know. और मुझे पता भी नहीं था कि तुम्हारे पास घर की चाबी है। और तुम कल आने वाले थे ना, so it was just all so confusing. I stop explaining yourself, Subhi. गलती मेरी थी। मुझे चुपचाप बेल बजाना चाहिए था। Actually मैं ही चाबियों के बीच confused हो गया। पूरा surprise backfire हो गया यार। नहीं, see honestly, I think surprises थोड़े childish होते हैं। मैं वही सोच रही थी। आई न्यू आई couldn't जस्ट गेट द डेट रॉन्ग। आई एम नेवर रियली दिस क्लम्सी, यू नो। नाउ इट ऑल मेक्स सेंस। अचार एंड कॉर्नफ्लेक्स, वियर्ड ना? आई नो इट्स वियर्ड बट आई लव इट। ट्राई करना है? श्योर। You don't like it? Out of the box. I think it's delicious. वो फ्रेम नया है ना? वो वाला? नहीं, हमेशा से था। You know, मैं सोच रहा था, first you. No, 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 go ahead. मैं सोच रहा था कि आज कहीं बाहर चले घूमने। आज? हाँ। Look at your state. Look, I have it all planned. पहले मार्केट चलेंगे, फिर लंच करेंगे, okay? नहीं नहीं, आज रेस्ट करो ना, वीकेंड पे we'll go. अरे वैलेंटाइंस डे है। वैलेंटाइंस डे। भैया जी, दीदी, happy Valentine's Day! मैं जाऊँ, please दीदी। दीदी? वैलेंटाइन्स के नाम एक सेल्फी हो जाए भैया के साथ, जल्दी जल्दी एकदम, चलिए जल्दी मेरे फोन में। हाँ चलो भैया। नहीं ना, थोड़ा पास आओ ना, कंधे पे रखो हाथ, रखो रखो, ओहो शर्माओ मत।
शाहिद और मीरा की भी हुई थी ना अरेंज मैरिज, कोई बात नहीं। हाँ एक अच्छी, हाँ ऐसे ठीक है, स्माइल करते चलो, नहीं स्माइल नहीं पाउट करते, चलो 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 दीदी पाउट करते हैं। अच्छा ठीक है चलो पाउट, अच्छा सर 1 2 3 गो। बढ़िया चलो बाय। दो घंटे में पक्का सेट। तुम शायद पहले आर्मी मैन हो जिसने पाउट किया, इट वाज फनी। पता नहीं आज क्या हो रहा है मेरे साथ। होपफुली बाकी के दिन बेटर जाएगा। सो या देख वहां पे क्या हुआ है, पंक्चर हो गया क्या? हां तुम रुको मैं बस नहीं नहीं मैं करती हूं ना, मैं करती हूं ना, प्लीज जस्ट होल्ड दिस। तो जब मैं हूं यहां तो तुम क्यों करोगी? तो अरे मैं करती हूं, ये मेरी हॉबी है। In fact, मैं तो वेट करती हूँ किसी का टायर पंक्चर हो जाए। पर हेलो तुम को नमस्ते। 5 मिनट में हो जाएगा, वो ठंड से ना जाम हो जाता है। उसका हॉबी है। सुनी चलो ना, अरे चलो ना। हम यहाँ क्यों आए हैं? गिफ्ट लेना है। किसके लिए? तेरे लिए सुबह। नमस्ते आंटी, कैसे हैं आप? कुछ शॉल्स दिखाएंगे प्लीज? हाँ जी। शॉल्स क्यों? अरे 2 महीने में तुम्हारा बर्थडे है ना, और तुम्हें तो पता है कि मैं यहाँ पे रहूँगा नहीं, तो इसलिए मैंने सोचा कि एडवांस में ये गिफ्ट दे दूँ, पर बर्थडे के दिन ही खोलना। ओके देखो ना तुम्हारा गिफ्ट है, तुम चूज करो। ये अच्छी है ना? It's too bright. Okay. देखो ना ये अच्छी नहीं। अच्छा सुनो मैं बस 2 मिनट में आता हूँ। भाई साहब ये चॉकलेट देना। भाई साहब ये कॉन्डोम का पैकेट देना। ये फ्लेवर चलेगा ना? हाँ। So cute. Bye. लेकिन ड्राई भी अच्छी लगी। हाँ, but ये मुझे ज़्यादा पसंद है। I like this moment. Nice, nice. आंटी इसका बिल करवा दीजिए प्लीज। कितने का है आंटी? 2000. Thank you. Hey, ये मेरी favorite chocolate है। How did you know? Well, I did. Uh-huh. Thank you, Auntie. I think वो बुला रहा है तुमको। कौन? क्यों? मैं आपको बताना भूल गया। क्या? कि मैं वैलेंटाइन डे पे आपको ऑफर दे रहा हूँ, एक के साथ एक मुफ्त। कॉन्डम ही खरीदना था तो इसमें इतना स्लाई बनने की क्या बात थी? क्या सोच रही होगी? मुझे कुछ बोलना चाहिए पर क्या बोलूं? This is so awkward. This is so awkward. क्या हुआ? गौतम can you just please please please. क्या हुआ? Just my sister. क्या हुआ? Please please please. Good afternoon, miss. God.
यही होना बाकी था. God, this is so embarrassing. So okay, I'm your husband, yeah. यार try to understand, मैंने स्कूल भी बंक किया है ना आज. I'm their teacher. I'm यही होना बाकी था. So weird. It's okay, Suvi. हम खाना ही तो खा रहे. They're not used to seeing me like this. Hello, ma'am. Hello, sir. मैम हम लोग ना एक यहाँ पे छोटा सा प्रोग्राम कर रहे हैं, उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना. हम आपको एक छोटा सा फॉर्म देंगे, आप उसे फिल कर दीजिएगा और उसके बाद अगर मैडम आपके मिस्टर के आंसर आपसे मैच करते हुए ना, तो आपको हमारी तरफ से एक स्पेशल गिफ्ट मिलेगा. क्या स्पेशल गिफ्ट? नाउ दैट्स तो सरप्राइज मैडम, टोटली सरप्राइज. नो थैंक यू. सो भी करते हैं ना. अरे ये भी ना बात. तब तक हम लेते हैं एक छोटा सा प्यारा सा जुन्नू सा ब्रेक. जाएगा नहीं कहीं भी. क्या हो रहा है, कहाँ पे आए हैं? रात आम जाम होगा, मुझे पता नहीं था. तो देखते हैं आज हमारे पास मौजूद क्यूट से गौतम जी एंड सुवी मैडम. देखते हैं ये हमारे लव की टेस्ट पर कितना खरे उतरते हैं. वो एक्चुअली मैं बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो आप किसी और के साथ कर लीजिए प्लीज. अरे सुवी मैडम, आपको अपने प्यार पे थोड़ा सा भी भरोसा नहीं है क्या? इससे पहले कि सुवी मैडम प्लीज भाग जाए, हम जल्दी से गेम स्टार्ट करते हैं. आप तैयार है? हाँ. तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि सुवी मैडम का फेवरेट कलर कौन सा है? उसके पर्सनालिटी के हिसाब से आई थिंक ग्रे. ग्रे किसी का फेवरेट कलर होता है क्या? गौतम जी अब सुवी मैडम इतना भी डल नहीं है. राइट आंसर इज मैरून. ओके, सेकंड क्वेश्चन है कि सुवी जी का फेवरेट खाने का डिश कौन सा है? ये मुझे पता है, कॉर्नफ्लेक्स विद अचार. क्या बात है सुवी मैडम, आपको कॉर्नफ्लेक्स विद अचार पसंद है? When did I say it's my favorite dish? राइट आंसर इज पनीर कोफ्ता. लंच में कहा था. अरे ये थर्ड क्वेश्चन तो मैं जरूर पूछना चाहूंगी. तो क्वेश्चन है कि सुवी जी का फेवरेट एक्टर कौन है? फेवरेट एक्टर? हाँ. अरे गौतम जी आपको ये भी नहीं पता? चलो मैं आपको एक हिंट देती हूँ, वो एक खान है. बड़ा हिंट है वो. आमिर खान. ओ गौतम जी, चलो वन मोर ट्राई. शाहरुख. अब सुवी मैडम आप ही बता दीजिए. फवाद खान. वो ही इज अ ब्रिलियंट एक्टर. मुझे ऐसा क्यों लगता है आप लोगों का अरेंज मैरिज हुआ है, है ना? थैंक्स. अरे मैडम, अरे मैडम रुकिए. अबे तुमने कबर्स खाली करने का टाइम ही कहाँ दिया? एनीवे कुछ ही दिनों की बात है, जस्ट कीप इट इन द गेस्ट बेडरूम, नो बिग डील. लुक, आई नो इट वाजंट अ परफेक्ट डे, पर तुम्हारा मूड कब तक ऑफ होने वाला है यार? नेक्स्ट टाइम ना लेट्स जस्ट डू व्हाट आई से. हमें चुपचाप घर पे बैठना चाहिए था. ये वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करने का आइडिया, इट वाज जस्ट सो चाइल्डिश. ये लवी डवी चीज ना बच्चों के लिए होती है, आई एम सॉरी आई कैन नॉट डू इट. वी डिडंट सेलिब्रेट, वी जस्ट वेंट आउट. और हर चीज का इशू बनाना जरूरी होता है? एनीवे I think I've realized there's no point making any effort towards being romantic with you. What romance, yeah, Gautam? Romance na naturally aana chahiye. Aise gale se force karke nahi hota hai romance. And let's just face it, we are not in love. We're just married. Aren't you cold? झगड़ा हुआ इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने आप को इतना पनिश करो.
I'm sorry aaj ke liye. You were right, it was quite a bad idea. Kafi childish tha. No. I'm sorry. I know I overreacted a little. Actually, मुझे बहुत मजा आया आज. I could see that. No, really. The entire day it was very nice. The flowers, the birthday gift in advance, the chocolates. वैसे मुझे भी कुछ interesting चीजें पता चली तुम्हारे बारे में. Can I? Yeah, sure. Achara cornflakes for breakfast. Diet change karna is one of your hobbies. Bachpan se. Aur aaj se pehle main tumhe kabhi itna scared nahi dekha jitna tum restaurant mein thi jab tumhare students aaye. Thank you. This is nice. ऐसा तो हमने हनीमून पे भी नहीं किया ना. व्हाट हनीमून? दो दिन में वापस आ गए थे यार. थैंक्स टू मॉम. और डैड को कोई हार्ट अटैक? आई नो बट शी गॉट पैरानॉइड. होता है. तुम ना बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो. आई एम हैप्पी कि मेरी शादी तुमसे हुई है. एनीवे इट्स टू लेट नाउ. वैसे व्हाट अबाउट यू? तुम खुश हो मेरे साथ? ड्यूटी की वजह से मुझे तुमसे इतना दूर रहना पड़ता है. आई जस्ट विश आई कुड बी देयर मोर फॉर यू. ओके आई वोंट लाई. कभी कभी लोनली फील करती हूँ मैं और डर भी लगता है फॉर ऑब्वियस रीजंस. आई मीन आई ट्राई नॉट टू थिंक अबाउट इट बट डर लगता है. बट एट द एंड ऑफ द डे आई जस्ट फील सो प्राउड दैट आई एम एन आर्मी मैन्स वाइफ. एंड आई स्वेयर दैट फीलिंग इट सरपासेस एवरीथिंग. प्राउड फील करती हूँ मैं. एक्चुअली अगर हम इतना खुल के बात कर ही रहे हैं देन कैन आई मेक एन ऑनेस्ट कन्फेशन? मुझे हमेशा से लव मैरिज चाहिए थी बट देन व्हेन नथिंग रियली वर्कड आउट आई थॉट ओके नो प्रॉब्लम अरेंज मैरिज के प्रोस्पेक्ट भी ट्राई करते हैं. And I met so many of these so-called settled guys. And then finally I met you. I felt a connection, you know. And that's when I realized that arranged marriages are not necessarily a compromise or a bad idea. I know they don't start with love and everything but they started a beautiful connection jo hopefully dheere dheere with time ek dosti mein badalta hai and then hopefully pyar. Jaise abhi hamare sath ho raha hai.